कंटिन्यू करते हैं। कल हमने कहाँ पर खत्म किया था ये? किंगडम एनिमेलिया, हमने चार किंगडम पढ़ लिए थे, अभी फिफ्थ किंगडम आ रहा है हमारा, किंगडम एनिमेलिया। फिर ये क्या कह रहा है कि ये भी मल्टी सेलुलर होते हैं और ये भी हेटरोट्रॉफिक हो, 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 ये भी हेटरोट्रॉफिक होते हैं। यानी सर ये भी सिंगल सेल नहीं थे, ये भी इनके अंदर भी वो होता है और ये भी हेटरोट्रॉफिक यानी खुद से खाना बना लेते हैं, खुद से खाना बना लेते हैं। और कह रहा है तीन पॉइंट आपके हो गए। फिर इसे फर्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए कह रहे हैं कि दीज आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल्स, इनमें सेल वॉल नहीं होती। विदाउट क्लोरोफिल ये क्या करते हैं अपने खाना, सॉरी हेटरोट्रॉफिक खुद से बना कर देते हैं, ये डिपेंडेंट रहते हैं दूसरों पर। बाय ईटिंग और सकिंग चूज कर, जो खाकर अपन चूज कर, ठीक है, डिफरेंटली नरिशन डिफरेंट तरीकों से अपने आप को नरिश करने का। द ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप आर यूजुअली मोबाइल, मोबाइल मतलब मोबाइल फोन नहीं, मोबाइल मतलब मूव कर सकें वो, क्या इस कैटेगरी से जो ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं वो जनरली मूव कर सकते हैं। बट सम लाइक स्पॉन्जेस एंड कॉलर्स आर नॉट मोबाइल, ये नहीं, ये लोग हैं ये नहीं चल सकते, चल नहीं सकते। ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स वी आर जनरली नो मोस्ट फैमिलियर विद प्लांट्स। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हम जनरली सबसे ज्यादा किससे फैमिलियर होते हैं, प्लांट से, एनिमल से। देयरफॉर इट विल बी वर्थ अंडरस्टैंडिंग द मोस्ट रिसेंट डिफरेंस बिटवीन दिस टू। बाकी चीज तो आप नहीं समझते हो, प्लांट और एनिमल तो समझते हैं, तब इन दोनों को बेस लेकर समझते हैं, इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं, ठीक है, समझते हैं जरा। रिकॉर्डिंग हो रही है, इसमें आपको शिक्षा आपको दिए, इसमें आपको समझना है। 8.1 है ना, 8.1 है ना, 8.1 टेबल कितने है, ये देख ये है, सॉरी ये ही डिफरेंस आपको बताना चाह रहे हैं। मैंगो ट्री कैसे दिखता है, डियर कैसे दिख रहा है, ब्रेड मोल्ड कैसे दिखते हैं, बैक्टीरिया कैसे दिखते हैं, रैबिट, फैम, अमीबा, प्रोन, कैटला, पैरामीसियम, इसमें हिंदी में अमीबा बोलते हैं, मेज, स्पायर वगैरह, ये आपको डिफरेंस समझाना चाह रहे हैं कि और प्लांटे में एनिमल या किंगडम एनिमल या किंगडम प्लांटे में कैसे डिफरेंस होने आप ये ना प्राणी थे, एक बार जरा पढ़ लेते हैं। म्यूल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है बट एक किसी तरह की स्पेसी नहीं, इसको स्पेसी एक होता डोंकी जो मेल होता है, एक होता है हॉर्स जो फीमेल होती है, एंड इट इज नेचुरल हॉर्स और नॉर्मल मंकी, और ये बेचारा बीच में है, ना तो हॉर्स है ना का मिक्स, ये दोनों का मिक्सचर है, दोनों का क्या है, मिक्सचर है, दोनों के बेबी होते हैं मिलकर, तब जाकर जो बॉर्न होता है उसको म्यूल बोलते हैं, तब जाकर उसको क्या बोलते हैं, म्यूल बोलते हैं। म्यूल इज अ क्रॉस या फिर हाइब्रिड बिटवीन अ डोंकी एंड अ फीमेल हॉर्स है ना, इट रिजेंबल द मेल पेरेंट, ये अपने म्यूल पेरेंट को दिखाई दे थोड़ा बहुत डोंकी की तरह।
in the size and shape of ears, legs and hooves. The shape of the tail and the shortness of the mane and is similar to the female. Nagarap scream. आयार की बात करूँ, मेन मतलब आयार, ये जो बात होते हैं पीछे दिन, गर्दन के पीछे दिन, गर्दन के पीछे दिन, ये उसके ना इन हाइटेस, ना इन हाइटेस, ना इन हाइटेस होल्डर एटसेट्रा, ये सबके फीमेल प्रिंट होता है. म्यूल स्टैटिक, म्यूल एक स्टैटिक होता है, कैन नॉट रिप्रोड्यूस. ये इसके इसकी बीबी नहीं होती. ठीक है, अक्रॉस बिटवीन हॉर्स मेल. सर ये अभी यहाँ पे क्या पढ़ा, अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, मेल डोंकी था. अभी मेल की बात करें हॉर्स, अगर हॉर्स मेल हो, फीमेल और डोंकी हो तो इसको क्या बोलते हैं, जैनी. उसको बोलते हैं जैनी, क्या बोलते हैं जैनी. तो सर उनसे जो बच्चा बॉर्न होगा उसको हम बोलते हैं हैनी. उसको हम क्या बोलते हैं, हैनी. डेवलप ब्रीडिंग, डेवलप ब्रीडिंग, उसके बच्चा नहीं हो सकता. ठीक है, ये हमने प्लाट पढ़ लिया अपना, ये हमने ब्रीडिंग ले लिया. आई थिंक आप रोड डेली रीड करते हैं ना, पढ़ाते हैं, और नहीं करते दिक्कत हो जाएगी आपको. बात नेमिंग एंड ऑर्गेनिज्म, एक्स इन्फॉर्मेशन यूजफुल टू नो. अच्छा, कॉमन नेम्स आर वेरिएबल एंड समटाइम्स कंफ्यूजिंग. वो कहने कुछ कॉमन नेम है तो वेरिएबल है, यानी चेंज भी होते रहते हैं. अच्छा, कभी कभी कंफ्यूज भी करते हैं. अच्छा, पर्टिकुलर लोकेलिटी, यानी वो कह रहे हैं कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि हर कैन थिंक ऑफ एनी प्लांट और एनिमल विच इन इंडिया इज नोन एज सिबिलेंट. क्या कोई ऐसा प्लांट आप जानते हो उसका अलग अलग प्लांट जाना जाता हो. तो कह रहे हैं पम्पकिन हो. कहाँ गया, हाँ अब आपने पिक्चर नहीं भेजी किसी भी ऑर्डर में था. 68 पम्पकिन एंड कस्टर्ड एप्पल. वो कह रहे हैं पम्पकिन एंड कस्टर्ड एप्पल कुड भी गुड एग्जाम्पल, एक अच्छे एग्जाम्पल हो सकते हैं. जैसे कि पम्पकिन है, इसको कोई कोई लोकल लैंग्वेज में सीताफल कहता है, कोई कासे कहता है, द्राफ कहता है, कोई पेठा कहता है, कोई कद्दू कहता है. सम टाइम्स अ सर्टेन कॉमन नेम इज नॉट इनफ टू इंडिकेट द पर्टिकुलर स्पेसिस. वो कह रहे कभी कभी कॉमन नेम सफिशेंट नहीं होती किसी की स्पेसिस बताने के लिए. तो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रॉक्स. यहाँ पे अलग तरह के फ्रॉक्स होते हैं, अर्थवॉर्म्स होते हैं, ग्रासेस होते हैं. Talking of crows again, if you have to distinguish between two kinds of crows, you have to use some adjectives such as the hill or jungle crow. Hill crow है, jungle crow है, house crow है, क्या है, plain. Come to the plains. And the plain crow cannot jungle नहीं आ सकता, jungle वाला house में नहीं आ सकता. तो उनकी स्पेसिफिक पता नहीं लगेगा. What is more important is that these two crows cannot interbreed. ये लोग आपस में इंटरप्रेट नहीं कर सकते, सो दे आर डिफरेंट स्पेसिस, इसलिए डिफरेंट स्पेसिस. साइंटिफिक नेम से पहले देखते हैं यहाँ पे क्या पढ़ाया है. अच्छा, वो जो टेबल 8.1 कह रहे थे ना, वो इसकी बात कर रहे थे ना, पिक्चर की और डिफरेंस की. चलो डिफरेंस पहले पढ़ लेते हैं, उनके बीच में बाद में आके साइंटिफिक नेम पढ़ते हैं. ठीक है, जनरल डिफरेंस जो प्लांट्स और एनिमल्स को होता है, इनमें क्लोरोफिल होता है इसलिए खुद से खाना ना पाते हैं, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, दूसरों को मारकर खाते हैं. यूजुअली फिक्स्ड इन द सॉइल, ये फिक्स्ड होते हैं, ये मोबाइल होते हैं, कैसे भी चल सकते हैं. ये फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाते हैं. ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते, फीड करते हैं. हैव नो स्पेशल डाइजेस्टिव ऑर्गन्स. इनके पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता इनके बॉडी में, एनिमल्स के पास होता है. प्लांट्स के पास सेलवल होती है, मेड अप ऑफ सेलुलोज ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल में होता है. प्लांट्स सेल्स यूजुअली हैव लार्ज वैक्यूल्स, इनमें लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, जिनमें सैप होता है, सैप उनका रस है ना. वैक्यूल्स नहीं, के पास कोई वैक्यूल्स नहीं होते इनमें से. प्लांट्स लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, रूट सिस्टम और एक शूट सिस्टम. इनके पास प्रॉपर सिस्टम होते हैं, डेफिनेट ऑर्गन सिस्टम होता है, लाइक डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, नर्वस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम. कीप ग्रोइंग थ्रू ये हजारों साल तक भी जी लेते हैं कुछ प्लांट्स. एनिमल्स में हजारों साल थोड़ी होती है ना, डिटरमाइंड डिटरमाइंड ग्रोथ होती है, एक लिमिटेड ग्रोथ ही होती है. ग्रोथ कन्फाइंड टू एपिसिस ऑफ रूट एंड शूट. वो कह रहे जो ग्रोथ होती है ना वो लिमिटेड रहती है उनके रूट और शूट तक. ठीक है, केवल रूट और शूट ही बढ़ते हैं उनके.
यहाँ पे बस यूनिफॉर्म होती है, ऐसा नहीं बढ़ रहा हाथ नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है हाथ नहीं बढ़ रहा है, सर ही सर बढ़ रहा है, बैक नहीं बढ़ रही है, स्टमक नहीं बढ़ रहा है, यहाँ जो भी ग्रो होगा सारे पार्ट इक्वल यूनिफॉर्म। देयर बॉडीज आर स्प्रेडिंग टाइप, स्प्रेडिंग प्लांट्स की बॉडी फैलती है, ठीक है। इन ऑर्डर टू हैव लार्ज सरफेस फॉर एब्जॉर्प्शन गैसेस वाटर एंड सॉलिड, हैव कॉम्पैक्ट बॉडी इन ऑर्डर टू एबल टू मूव, इनके बॉडी क्या लाइक, ठीक है, लाइक लाइट हो, क्या 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 लाइक लाइट हो, ग्रेविटी टच हो, तो बहुत धीरे रिएक्ट करते हैं।